लक्ष्मी और क्षितिज को अभी तक नौकरी नहीं मिली। बा, आप चिंता मत कीजिए, दुर्गा दुर्गा कहां से आए इतने रुपए? बताओ दुर्गा, कहां से आए इतने सारे रुपए? दुर्गा, सब पूछ रहे हैं, तुम चुप क्यों खड़ी हो? हां दुर्गा, बताती क्यों नहीं हो? कहां से लाई हो इतने सारे रुपए? दुर्गा तुम बताओ दुर्गा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। 50 लाख कोई ऐसी रकम नहीं है जो एक दिन में कहीं से भी हासिल कर दी जाए। कहां से लाए तुमने इतने सारे पैसे? मां माँ, इसमें घबराने की कौन सी बात है? माँ माँ, ये पैसे मुझे रणवीर जी ने दिए हैं। वो एक सोशल वर्कर है और एक एनजीओ में काम करते हैं। वो जहाँ काम करते हैं ना, वो एनजीओ बहुत बड़े बड़े लोगों की है माँ। बापूजी के इलाज के लिए ये रुपए दिए हैं। हाँ, लेकिन हम ये रुपए चुकाएंगे कैसे? जीजू, इस समस्या का भी समाधान हो चुका है। हम हर महीने किश्तों में धीरे धीरे ये पैसे चुकाएंगे। और इस वक्त बापूजी के इलाज के अलावा क्या हम कुछ और सोच सकते हैं? नहीं, इस वक्त हम भाई के इलाज के अलावा और कुछ नहीं सोच सकते। मुझे गर्व है, सूर्यकांत के इलाज के लिए हमारी बेटियों ने रुपए इकट्ठे किए हैं। हाँ बा, तूने तो मेरी घबराहट को हल्का कर दिया। माँ, दीदी, आज तो आप झांसी की रानी हैं। लेकिन आज हमें सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहिए तो रणबीर जी का। हाँ, शायद मैं ही गलत थी, शायद वो सचमुच रणबीर है, भविष्य नहीं। क्योंकि भविष्य कभी किसी की भलाई के बारे में नहीं सोच सकता। मुरारी की कृपा है, सरस्वती की गलतफहमी दूर हो गई और हमारी मुश्किल भी। अब गारुड़िया परिवार में वही खुशियां फिर लौटेंगी। हाँ बा, बिल्कुल सही कह रही है, वरना मुस्कुराहट और हल्की हसमुख। मैंने कुछ बोला? हाँ, तुमने अगर बोला कि मैंने कुछ बोला, मतलब सब ठीक है। जरूर उस पैसे को लेकर कोई बात है, वरना छोटी छोटी बात में खुश रहने वाली दुर्गा इतनी बड़ी खुशी में इतनी उदास क्यों रहती? दुर्गा,
रुको दुर्गा, दुर्गा मेरी आंखों में देखो और बताओ सच क्या है। दीदी कौन सा सच? दुर्गा तुम्हारी ये बहन थोड़ी सी बुद्धू जरूर है, पर इतनी भी नहीं है कि अपनी बहन की तकलीफ को समझ नहीं पाए। दुर्गा दुर्गा ये पैसे कहाँ से आए? दीदी कहाँ ना, ये रुपए रणबीर जी ने दिए। रणबीर जी ने दिए? तो फिर तेरे चेहरे पे ये उदासी, ये बेचैनी क्यों? हाँ दुर्गा, अगर ये पैसे तुझे रणबीर जी ने दिए होते ना, तो हम चारों बहनों से ज्यादा खुशी तुझे होती। देख दुर्गा, तू ये बात भले सरस्वती दीदी और लक्ष्मी से छिपा सकती है, पर तू मुझसे नहीं छिपा पाएगी। हाँ दीदी, मैं ये बात आपसे नहीं छिपा पाऊंगी। दीदी ये रुपए मुझे करण ने दिए हैं। हाँ दीदी, उस दिन जब मैं डांस क्लास के लिए गई थी ना, मुझे रास्ते में मिला। दुर्गा मैं जानता हूँ कि मैं तुम लोगों का गुनहगार हूँ, मैं बापूजी का इलाज करवाना चाहता हूँ। देखो मैं नहीं कहता कि तुम लोग मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे प्रायश्चित करने का मौका तो दो। ये पैसे रख लो, एक बेटे का अपने बाप के लिए फर्ज समझ कर ही सही। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इतने कम वक्त में बापूजी के इलाज के लिए इतने रुपए कहाँ से आते? और मैं चाहती थी कैसे भी बापूजी का इलाज शुरू हो जाए दीदी। और अब यकीन मानिए, इस बार मुझे करण की बातों में सच्चाई लगी। दुर्गा दुर्गा, लेकिन अगर लक्ष्मी को पता चला दीदी? लक्ष्मी को ये बात नहीं मालूम पड़नी चाहिए। कैसे भी आप मुझसे वादा कीजिए, आप किसी को नहीं बताएंगे, किसी को भी नहीं। दुर्गा वैसे तो हमेशा मेरे मुंह से बात निकल जाती है, मैं दीदी प्लीज। मैं कोशिश करूंगी। हाँ मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, तुम नहीं जा सकते मुझे छोड़कर। पवित्रा इस तरह नींद में बड़बड़ा क्यों रही है? जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। नहीं कर सकते, तुम छोड़कर नहीं जा सकते। मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अवतरा देखो, ये शादी झूठ है, सच सिर्फ ये है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। मत करो ये शादी, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते, धोखा नहीं दे सकते तुम मुझे। अवतरा मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, पड़ती हूँ तुम्हारे, मुझे छोड़कर मत जाओ। पवित्रा पवित्रा उठो, मैं यहीं पे हूँ पवित्रा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, उठो। तुम ठीक हो युवराज? तुम मुझे लगता है मैं सपना देख रही थी। हाँ और ये तुम क्या चिल्ला रही थी?
मुझे छोड़कर मत जाओ, शादी मत करो, ये सब क्या है? लगता है मेरे मुंह से प्रिंस का नाम नहीं निकला। युवराज, मैंने मैंने बहुत डरावना सपना देखा। मैंने देखा कि तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो, तुम दूसरी शादी कर। मैं बहुत डर गई थी। पवित्रा, जस्ट रिलैक्स। मैं भला तुम्हें छोड़कर दूसरी शादी क्यों करूंगा? आई लव यू पवित्रा। सोचा मैं यही हूं, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। डॉक्टर देसाई, बाकी की फॉर्मेलिटीज मैं पूरी कर लूंगा। आप ये बताइए बाबूजी की कंडीशन कैसी है? देखिए, पेशेंट की कंडीशन तो काफी क्रिटिकल है, पर मैं उम्मीद करता हूं कि रिकवरी जल्दी हो जाएगी। वैसे तो गरोड़िया परिवार ने पैसों का इंतजाम कर दिया है, अगले हफ्ते हम ट्रीटमेंट भी शुरू कर रहे हैं। चलो, खुशी है कि दुर्गा ने परिवार से झूठ बोलकर पैसे तो दे दिए और परिवार वाले मान भी गए। हेलो, या डॉक्टर, अब सब कुछ आपके हाथ में है, बापूजी का ठीक होना बहुत जरूरी है। रिलैक्स मिस्टर करण, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू डॉक्टर। यू आर मोस्ट वेलकम। अरे रणबीर जी, आप जय श्री कृष्ण। आइए। जय श्री कृष्ण रणबीर जी, आप रुक क्यों गए? आइए ना। मैं माफी चाहती हूं, इतने दिनों तक मैं आपको गलत समझती रही, पर कल जब दुर्गा ने आपके बारे में बताया तो मेरी गलतफहमी दूर हो गई है। मैं जानती हूं कि आप रणबीर ही है, भविष्य नहीं, क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं और भविष्य बहुत बुरा इंसान था। मुझे खुशी है कि आपकी गलतफहमी दूर हो गई। देखिए, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। आई एम रियली वेरी इट्स ओके। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड। आप आइए ना, मैं क्षितिज को बुलाती हूँ। क्षितिज। हाय। हाय क्षितिज, थैंक्स अ लॉट। हे भगवान, अब क्या होगा अगर इन लोगों को पता चल गया कि पैसे रणबीर ने नहीं दिए? तो बेचारी दुर्गा क्या जवाब देगी? बेटा, गरोड़िया परिवार के लिए तुमने जो कुछ भी किया है उसके लिए हम तुम्हारा उपकार जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। उपकार? जी मैं कुछ समझा नहीं। उपकार ही तो है, अगर आप वक्त पर पैसे नहीं भेजते तो इनका इलाज करना ही नामुमकिन था। इतनी बड़ी रकम इकट्ठी करनी हमारे बस में नहीं थी। बैठो ना। चाय। और पैसों के लिए थैंक्स अ लॉट। स्ट्रेंज, इन लोगों को कैसे पता चला कि मैंने 50,000 का इंतजाम किया है? जी तो रोए बेटा, बिल्कुल सही वक्त पे तुमने हमारी मदद की है। रणबीर जी, आप यहां?
जी मैंने तो अभी कुछ भी नहीं किया। आपने जो कुछ भी किया है हमारे लिए वो बहुत है। प्लीज इनकार मत कीजिए। और मुझे पता है कि आप किसी को कुछ नहीं बताएंगे। वैसे भी आज तो स्पेशल क्लासेस भी हैं, हमें चलना चाहिए, बहुत देर हो रही है। माँ माँ स्पेशल क्लासेस का टाइम हो गया है, मैं अभी आती हूँ। चले। जय श्री कृष्ण। अरे दुर्गा, वो पैसा लेके बैंक में जमा कर देना अच्छा है, घर में इतने सारे पैसे रखना ठीक बात नहीं। जी बा, मैं बैंक की तरफ ही जा रही हूँ, मैं पैसे बैंक में जमा कर दूंगी। ठीक है सावित्री, पैसा लक्ष्मी को दे देना। जी बा। चलिए। वैसे अच्छा वो बाबूजी की लाश के लिए तुमने करण से पैसे ले लिए, नथिंग रॉन्ग। और उससे भी अच्छा तो ये हुआ कि तुमने मुझे रोक लिया, वरना मैं तो अंदर सब गड़बड़ कर देता। मुझे इस झूठ में आपका नाम लेना पड़ा। I'm sorry. दुर्गा, तुम्हारे परिवार में सबको सॉरी बोलने की आदत है क्या? हाँ? जस्ट चिल, I'm joking. इसमें सॉरी की कोई बात नहीं है। अगर तुमने झूठ बोला है तो अपनी फैमिली के भले के लिए, इससे किसी को नुकसान नहीं होगा। और हाँ, नाम के बहाने ही सही, मैं आपकी फैमिली के कुछ काम तो आया। थैंक यू। ले लो। ये क्या है? ये 50,000 रुपए। अभी सिर्फ इतने के इंतजाम कर पाया, एमरजेंसी में काम आएंगे। थैंक्स, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है, जब होगी मैं मांग लूंगी। चले। यस, हेलो मैनेजर साहब, मैं आप मिसेज माथुर है ना? मिसेज लक्ष्मी माथुर, सही पहचाना मैंने, राइट? प्लीज बैठिए। नहीं थैंक यू वेरी मच। कहिए क्या बात है? मैं अपने अकाउंट में 50,00,000 रुपए डिपॉजिट करने आई। मिसेज माथुर, सॉरी पर बात कुछ समझ में नहीं आई। जी क्या बात समझ नहीं आई, और आप इतने ताज्जुब से, क्या बात है मैनेजर साहब? अब कल ही आपके पति मिस्टर करण माथुर बैंक से 50,00,000 विड्रॉ करके गए हैं, और आज वापस आप ये रुपए डिपॉजिट करने आई हैं। ताज्जुब तो होगा ही ना? क्या करण ने? हाँ, कल ही मैंने खुद उन्हें वो 50,00,000 रुपए इसी के बिन में दिए थे। ये पैसे मुझे रणवीर जी ने दिए, वो एक सोशल वर्कर है और एक एनजीओ में काम करते हैं। वो जहाँ काम करते हैं ना, वो एनजीओ बहुत बड़े बड़े लोगों की है माँ। उन्होंने ही बापूजी के इलाज के लिए ये रुपए दिए। नमः शिवाय। नमः